के जदों दिन हश्र दे सवाल होणगे, जदों दिन हश्र दे सवाल होणगे, अपने जदों दिन हश्र दे सवाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे। ए जन्नत च जा जब जन्नत में मेरे आका की सवारी जाएगी तो आशिक लिखते हैं कैसे जाएगी। एक दिन हजरत सैयदना बिलाल हबशी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका फरमाते हैं बिलाल आज आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। अब शायर ने लिखा है हजरत बिलाल कैसे जाएंगे सबसे पहले जन्नत में। के जन्नत च जाएगी सवारी आप दी, जन्नत च जाएगी सवारी आप दी, अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, पढ़ो अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, हामी साडे एक शेर जो मैंने लिखा है नवीद भाई, जो करबला में यजीद का साथ दे रहे थे, जो यजीद के साथी थे, कल कयामत का दिन होगा, जो यजीद के साथी थे वो किसके साथ होंगे, और हम सरकार के नौकर सरकार के गुलाम किसके साथ होंगे। शेर आपने ये तवज्जो से सुनना है, यजीद के साथियों के लिए क्या है। तेरे पास लानती यजीद होवेगा, ए तेरे पास लानती यजीद होवेगा, साडे पास फातिमा दे लाल हो बड़िए, साडे पास फातिमा दे लाल होणगे, इस तरह नहीं खून पैदा हो जाए, साडे पास फातिमा दे लाल होणगे, साडे पास फातिमा दे लाल होणगे। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, फरमाते हैं कदर औलाद दी मां प्यो जाने, की जाने लोक बिगाना, कदर औलाद दी मां प्यो जाने, की जाने लोक बिगाना, कदर हुसैन दी फातिमा जाने, या जाने हुसैन दाना ना, या जाने हुसैन दाना ना, कदर नबी दा एक ही जानन, जड़े दुनियादार कमीने, कदर
नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीन।